पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स के इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पीपीटी का कोर्स हमारा पसंद आ रहा होगा और इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि स्किल आपके करियर में, आप लाइफ में ऐड हो सके और इसका बेनिफिट बिजनेस या इंडिविजुअल लाइफ में आप उठा पाए। दोस्तों, पावर पॉइंट के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं बिना पैसा लगाए तो हमारे चैनल से फ्री में सीख सकते हैं। हमारे चैनल में 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, 1250 से ज्यादा वीडियोस हैं और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 और नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundals.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा लेक्चर हमने पहले भी लिया था जिसमें मैंने आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऑडियो वीडियो के साथ रिकॉर्ड करना सिखाया था, लेकिन वो एक रिकॉर्ड करना सिखाया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सामने मैंने एक वीडियो पहले ही आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है और मैं इसको आपके सामने प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों, आपने देखा, ये मैंने आपके सामने एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन में प्रीव्यू आपको प्ले करके दिखाया। अब आप लोगों में से कई लोगों की इंक्वायरी है कि सर, मैं अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन तो लगा दे रहा हूँ लेकिन वो ऑटोमेटिक रन नहीं हो रही है। तो इसका कारण यही है कि आप ट्रांजिशन और एनिमेशन लगा ले रहे हैं लेकिन आपने उसमें ऑटोमाइजेशन नहीं करा है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे आपको करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी जिसमें मैंने आपको ट्रांजिशन, एनिमेशन और ये जो वो पिक्चर्स के साथ पिक्चर्स के फॉर्मेट चेंज करने सिखाए हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें उस चीज़ का यूज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जो हमारी पहली स्लाइड है इसमें आप ट्रांजिशन के ऊपर जाएंगे तो ट्रांजिशन पर मैंने एक डिज़ाइन अप्लाई कर रखा हुआ है। अब ये डिज़ाइन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है इसलिए मैं दोबारा कवर नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं अब बताता हूँ कि आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक रन क्यों नहीं होती है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा होता है, इसको अनक्लिक करना होता है और यहाँ पे टाइम एक सेव करना पड़ता है, ड्यूरेशन और ये कि कितने टाइम बाद वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाए, आपको कोई क्लिक ना करना पड़े, आपको किसी माउस पे या किसी बटन पे क्लिक ना करना पड़े। तब देखिए, जैसे कि मैं माउस और किसी बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ तब भी तीन मिनट मैंने टाइम लगा रखा है 3 सेकेंड का, ये 3 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जा रही है। यहाँ पे ड्यूरेशन भी मैंने अप्लाई कर रखा है कि जो मेरा ट्रांजिशन है वो कितने टाइम तक चलेगा और ये जो मेरा साउंड है ये साउंड भी लगा रखा है। और दोस्तों, साउंड लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये .wav आपको अगर यहाँ पे कोई साउंड अगर चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा कुछ अलग आपको साउंड अप्लाई करना है तो अदर साउंड पर क्लिक करेंगे आप तो आप फाइल में से चुनेंगे, लेकिन जो भी आप अपने कंप्यूटर की फाइल में से चुनेंगे वो .wav वेव फाइल होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक मैं ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ और जो मैंने ये फाइल करी है, देखिए .wav ये इस तरीके की ऑडियो फाइल होनी चाहिए तभी इसमें सपोर्ट करती है वो। ये चेंज करने के लिए बहुत सिंपल है, आप गूगल पे सीधे टाइप करें MP3 to
वेव कन्वर्टर सीधे आपके दो तीन लिंक आपके सामने खुल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहां से चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूँ, दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ, माफ करिएगा, इसमें भी ट्रांजिशन पे मैंने साउंड डाला हुआ है और ड्यूरेशन डाली हुई है और ये माउस का हर जगह मैंने क्लिक का ऑप्शन हटा रखा है ताकि मैं माउस से या बटन से क्लिक करे बिना भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाए। इसीलिए जब मैं प्ले कर रहा हूँ प्रीव्यू पे, यहाँ पे जब मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ या फिर स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से मैं आपको प्रीव्यू पूरा दिखाता हूँ, तो मेरे को अब इसमें बटन प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे ही मैं तीसरी स्लाइड भी दिखा देता हूँ आपको, ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और ड्यूरेशन मैंने डाल रखा है दोनों, और ये मैंने आफ्टर डाला हुआ है। इसका मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लिक नहीं होता है किसी तरह की, किसी बटन पे कोई क्लिक नहीं करता है, तो ये अपने आप इतने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये स्लाइड चेंज हो जाएगी। और ये जो ड्यूरेशन होता है ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन मतलब जो मैंने ट्रांजिशन अप्लाई कर रखा है। अब ट्रांजिशन एनिमेशन क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, दोबारा एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ट्रांजिशन वो होता है जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चेंज होते हैं, तो उस समय जो डिजाइन इंटरफेस आता है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। अगर मैं किसी स्लाइड के टेक्स्ट के अंदर या इमेज के अंदर कोई फॉर्मेटिंग करता या कोई स्पेशल डिजाइन ऐड करता तो वो होता आपका एनिमेशन। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही मैंने सभी स्लाइडों के ऊपर मैंने ट्रांजिशन अप्लाई कर रखा है, साउंड इफेक्ट डाल रखा है, ड्यूरेशन डाल रखा है, और ये मैंने आफ्टर ये माउस क्लिक को मैंने ऑफ कर रखा है। यहाँ पे अनक्लिक है, यहाँ पे क्लिक नहीं है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आफ्टर में मेरा क्लिक है। तो जब भी आप ट्रांजिशन अप्लाई करिएगा अपनी स्लाइड में या एनिमेशन अप्लाई करिएगा, अगर आपको चाहते हो कि आपका जो स्लाइड है अपने आप मूव करे, तो यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे माउस क्लिक का ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा और आफ्टर वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये कई लोगों का एक्टिवेट ही नहीं होता है, तो कई बार इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। मतलब एक्टिवेट करने का मतलब एक टाइम फ्रेम इसमें डाल दीजिएगा ताकि वो अपने आप चेंज हो जाए। इस तरह जब आप करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो अपने आप चेंज होगी। बाकी स्लाइड बनाने का तरीका आप जानते हैं, मैंने बता ही रखा है। मेरी इमेज है और ये मेरा टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट में जाके सेव फॉर्मेट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेरे पास ऑप्शन मिलते हैं। मैं शेप फिल को कर सकता हूँ, शेप आउटलाइन या शेप इफेक्ट, तो आप यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट भी डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। आज का जो वीडियो है वो इसीलिए है कि एनिमेशन जो आप रन करते हो या फिर ट्रांजिशन जो रन करते हो वो ऑटोमाइजेशन क्यों नहीं हो पाता, तो ऑटोमाइजेशन क्यों नहीं हो पाता इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जो आज का टॉपिक है वीडियो का, कि आप प्रेजेंटेशन को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत सिंपल तरीका है सेव करने का, इसके लिए आपको फाइल पे बटन पे प्रेस करना होगा, और फाइल बटन पे जैसे ही आप प्रेस करोगे सेव एज पे क्लिक करोगे, सेव एज क्लिक करने के बाद आप अपना फोल्डर चुन सकते हैं। फोल्डर चुन करने के बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब आप यहाँ पावर पॉइंट यहाँ पे तो नाम आ जाएगा, नाम आप जो भी चुनना चाहें अपनी फाइल का चुन लें, और उसके बाद यहाँ पे आपको चुनना है कि आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक विंडोज मीटा फाइल करके आ रहा है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए विंडो मीडिया, हाँ ये रहा विंडो मीडिया वीडियो करके आ रहा है, या फिर MP4 वीडियो, आप दोनों में से कोई भी कर लेंगे तो एक वीडियो फॉर्मेट में ही सेव होगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करूंगा सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे वीडियो की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, मतलब कि वो कन्वर्ट होना वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से वीडियो को स्किप करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग खत्म हो चुकी है, इसका मतलब कि हमारी जो वीडियो है वो अब कन्वर्ट हो चुकी है और हमारे फाइल में सेव हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो फाइल में किस तरह से दिखती है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मेरी वीडियो फाइल बनके आ चुकी है, WMV फाइल इसको के नाम से आई है। मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखा दोस्तों कितना आसान है वीडियो फाइल में कन्वर्ट करना और एक प्रेजेंटेशन को वीडियो में बनाना। क्योंकि आप हर समय हर जगह आप पावर पॉइंट नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक वीडियो फाइल कैरी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे आ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल के संग जुड़ सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वहां से नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास। Thank you.